दोस्तों, इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए लगातार हम जीएसटी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो एसएससी सीजीएल में पूछे हैं। उसके बाद नई सीरीज आएगी। हम 175 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो होगा वो 175 क्वेश्चन से आगे का जो पूरा प्रोसीजर है उसे हम देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इससे पहले की वीडियोस आप ज्योग्राफी नाम सॉरी जीएस नाम के आप हमारी प्लेलिस्ट है उससे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है द इंडियन आर्मी। इस मार्कर को थोड़ा सा हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द इंडियन आर्मी इज सेट टू कमीशन द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन सोल्जर बाय। इंडियन आर्मी ने जो फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन सोल्जर का वो कब तक कमीशन करने की बात करी है, तो वह है सन 2021 तक इसे कमीशन कर लिया जाएगा इस इंडियन आर्मी को, फर्स्ट बैच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, जो भारत का पार्ट 8 है वो किस चीज़ से, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 8 है वो किस चीज़ से डील करता है, तो वह यूनियन टेरिटरी से, यूनियन टेरिटरी से वो डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व या सांबलपुर एलिफेंट रिजर्व या सोनीपत एलिफेंट रिजर्व या महानदी। तो ध्यान रखिएगा, जो सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है वो आपका उड़ीसा राज्य में नहीं है, उड़ीसा राज्य में नहीं है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वॉज फॉर्म्ड बाई इंसर्टेशन ऑफ आर्टिकल। जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो वो है आर्टिकल 338B। आर्टिकल 338B, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 338B है आपका उससे रिलेटेड है आपका नेशनल बैकवर्ड कमीशन, ठीक है। आर्टिकल 338B बार बार क्वेश्चन आता है। नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। जो पहली फीमेल एम्प्यूटी है जिन्होंने आपका माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, तो वो है आपकी अरुणिमा सिन्हा जो हैं, ये फीमेल एम्प्यूटी हैं जिन्होंने आपकी माउंट एवरेस्ट की जो पीक है, पहली महिला हैं ये। एम्प्यूटी का मतलब अपंग होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिन्हें हम दिव्यांग भी कहते हैं, तो ऐसी पहली दिव्यांग हैं जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, तो उनका नाम है आपका अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परनीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन। जो आपकी परनीशियस एनीमिया है, एक डिजीज़ है, ये किस विटामिन की कमी से होती है, तो यह है विटामिन B12, ये आपका विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। इंडिया वॉन इट्स सक्सेसिव टाइटल एट द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैम्पियनशिप इन मार्च। जो इंडिया ने अपना दोबारा से साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैम्पियनशिप अवार्ड है उसे लिया है। वुमेन चैम्पियनशिप जो अवार्ड है उसे एशिया में किसने प्राप्त किया है, तो वो कौन सा है, तो वो पांचवा सक्सेसिव प्राइज है इंडिया का, ठीक है, पांचवा सक्सेसिव प्राइज है जिसे इंडिया ने गेन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द एग्जीक्यूटेड रिमेन्स ऑफ फाउंड नियर पटना बिहार इंस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को इन 2016। तो जो 2016 में ये यूनेस्को की साइट है पटना में, वो कौन सी साइट है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज ने, जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है पटना बिहार में, तो वो है आपका नालंदा महावीरा की जो साइट है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल किया है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो BCCI का हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, BCCI का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। BCCI से रिलेटेड 3 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार बोला गया है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पहले जम्मू कश्मीर के पहले जो LT हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो कौन है, यूनियन टेरिटरी केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के, तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इस चीज़ को ध्यान रखिए, आगे भी क्वेश्चन आएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। डेडनेस इज नोन एज द गोल्डन सिटी, तो कौन सी सिटी गोल्डन सिटी के नाम से जानी जाती है, तो वो है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स। जो हमारी किसी भी वस्तु की या सर्विस की हम वैल्यूज निकालते हैं, जो
अनुमानित वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू निकालते हैं तो वो तीन मेथड होते हैं उसके, इनकम मेथड, आपका एक्सपेंडिचर मेथड, या तीसरा जो है वो है आपका प्रोडक्ट वैल्यू एडिट, इसे हम PVA भी कहते हैं, PVA, प्रोडक्ट वैल्यू एडिट, प्रोडक्ट वैल्यू एडिट, प्रोडक्ट वैल्यू एडिट, प्रोडक्ट वैल्यू एडिट जो आपकी सर्विस रहेगी कि मेथड रहेगा उसके थ्रू हम भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडस रिनाउंस्ड हिज नाइटवुड इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियावाला बाग कांड मास किलिंग, जो जलियावाला बाग कांड हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, उसमें किसने अपनी पदवी, अपनी उपाधि का त्याग किया था जो थी नाइटवुड, तो वो उपाधि त्याग करी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मराज युधिष्ठिर रथा, भीम रथा, अर्जुन रथा एंड नकुल सहदेव रथा, ये फोर आपके पंच रथ हैं, ये पंच रथ हैं महाबलीपुरम के, उनमें से फोर रथ का यहाँ पर आपको बता दिया गया है, धर्मवीर आपका, धर्मराज युधिष्ठिर रथा, भीम रथा, अर्जुन रथा, नकुल सहदेव रथा, जो पांचवा रथ है वो है आपका द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चाइना में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे है, उसका नाम क्या है, ग्रेट कैनाल है, उसका नाम ग्रेट कैनाल है, जो आपकी चाइना में स्थित है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे है, लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे है इसको, सॉरी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, द गदर पार्टी वॉज फॉर्मड इन, जो गदर पार्टी का निर्माण किया गया था वो कब किया गया, तो गदर पार्टी आपकी 1913 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा द साउथर्न गेटवे ऑफ द कुवात उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली, दिल्ली में जो आपकी कुवात उल इस्लाम मॉस्क्यू है उसका जो दरवाजा है साउथर्न गेटवे, जिसे हम अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं, तो उसका निर्माण किसने करा था, उसका निर्माण करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। नेक्स्ट है, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस रिवर है उसके पानी का जो समझौता हुआ था कि इतना परसेंट यूज़ भारत करेगा, इतना परसेंट यूज़ आपका पाकिस्तान करेगा, तो सॉरी वो ट्रीटी आपकी कब हुई है, वो ट्रीटी हुई आपकी 19 सितंबर 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, कौन से किसको टू और मोर कंपोनेंट्स को आपको क्या मिलके बनाते हैं, दो और दो से अधिक कंपोनेंट जो होमोजीनियस हो तो मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स इंक्लाइडेड इन 120 डिग्री पे जो दो टोटल इमेज बनती हैं 120 डिग्री पर अगर किसी दो मिरर इमेजों को रखते हैं तो आपस में तो कितनी इमेज बनेंगी अगर इनके बीच में 120 का एंगल हो, तो जो इमेज बनेंगी उन इमेज का नंबर होगा नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंसेस ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ, जो डेप्रिसिएशन ऑफ एनुअल अलाउंस, जो एनुअल अलाउंस में जो कमी आती है वो किसके एनुअल, द वियर ऑफ टीयर ऑफ किसका होता है, वो कैपिटल गुड्स का वियर और टीयर ऑफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पद्मा अवार्ड आर अनाउंस अराउंड, जो पद्मा अवार्ड्स रहते हैं वो अराउंड हर साल रिपब्लिक डे के टाइम पे अनाउंस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है उसमें कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं वो कौन है, तो वो है आपके बेरियम, आयरन, टंगस्टन या पैलाडियम, तो उसका आंसर है आपका पैलाडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैदराबाद फंड हैज बीन हेल्ड बाय डेडस इन द अकाउंट ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू द यूके, तो जो हैदराबाद फंड बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो नेशनल वेस्ट मिनिस्टर बैंक है आपका, नेशनल वेस्ट मिनिस्टर बैंक है जिसके माध्यम से इसको बनाया गया था। ये आपके हो गए हैं 200 क्वेश्चन कंप्लीट, अगर आपने अभी तक पहले के नहीं देखे हैं तो आप भी उसे लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अब क्वेश्चन 201, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द टॉम ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड, जो रानी ऑफ झांसी है उनका जो टॉम्ब है वो कहाँ पर स्थित है, रानी ऑफ झांसी का जो टॉम्ब है वो आपको ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द स्टेट वॉज द 12th नेवल एक्साइज नसीम अल बहार, नसीम अल बहार आपकी एक नेवल एक्साइज है, वो कहाँ पर करी गई, तो गोवा के बीच में करी गई है, और ये किन दो दोस्तों के बीच में हुई है, तो इंडिया एंड ओमान के बीच में हुई, इंडिया एंड ओमान के बीच में नसीम अल बहार, नसीम अल बहार इंडिया और आपके गोवा, इंडिया और आपके ओमान के बीच हुई है गोवा में नसीम अल बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर, जो थर्मामीटर हमारे रहते हैं उनमें मरकरी की जगह सब्स्टिट्यूट किसे यूज़ कराया जाने लगा है, तो वह है गैलिस्टन, गैलिस्टन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेमोरी ऑफ हुम इज द माधवार मेला ऑफ गुजरात सेलिब्रेटेड। देखिए अगेन ये क्वेश्चन आ चुका है, माधवार मेला। पहले क्वेश्चन आया था माधवार मेला किस राज्य से संबंधित है, ये देखिए माधवार मेला किस राज्य से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन दो बार पूछ लिया गया पहले। अब नंबर आया है इसका माधवार मेला का, तो ये कहाँ से किसके किसके लिए मनाया जाता है, तो ये कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी जी के लिए ये सेलिब्रेशन मनाया जाता है, लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी के लिए सेलिब्रेशन मनाया जाता है। बिरेच रिवर और साउथर्न साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द हिल्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जो आपकी बिराज रिवर है, बिराज रिवर है जो आपके साउथर्न साइड की ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर की, बनास रिवर की, ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपके उदयपुर, उदयपुर जो जिला है वहाँ से ये रिवर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल एज अ 2019 हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। भारत में कितने नेशनल पार्क सिचुएटेड हैं, तो भारत में जो नेशनल पार्क सिचुएटेड हैं वो 104 हैं, 104 भारत में नेशनल पार्क सिचुएटेड हैं, 104 भारत में नेशनल पार्क सिचुएटेड हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ द 15th चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन, भारत का जो फाइनेंस कमीशन था, 15वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके एन के सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द ऑनर्ड विद द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द मुपरावादू नेशनल अवार्ड फॉर सोशल सर्विस एट हैदराबाद ऑन 9th January 2020। जो ये आपका मुपरावादू नेशनल अवार्ड है सोशल सर्विस पे 9th January 2020 को जो मिला, ये मिला है डॉक्टर मानुकोबी सांबिशिवन स्वामीनाथन, काफ़ी टिपिकल नेम है, डॉक्टर मानुकोबी सांबिशिवन स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ द इंडिया एड्रेस द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 बाय ऑर्डरिंग द आर्मी टू डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ सप्लाईज ऑफ द स्टर्विंग रूरल बंगालीज। ऐसे कौन से वायसराय हैं जिन्होंने इंडिया में इससे एड्रेस करा था जब बंगाल में सूखा पड़ा था 1943 में, तो उन्होंने ऑर्डर दिया था आर्मी को कि डिस्ट्रीब्यूट करें जो रिलीफ सप्लाईज हैं, जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं स्टर्विंग रूरल बंगालीज में, इस चीज़ को सप्लाई करी जाए, तो वो कौन है, लॉर्ड लिथिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज लॉन्च PPRTMS पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज पे कंट्रोल करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉटन गिन का इन्वेंट किसने करा, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके, हर साल आने, अभी देखा जा रहा है कि इन रिसेंटली 2-3 सालों में ये क्वेश्चन हर पेपर में दिख रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए। इली विटने है इसका आंसर। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 212 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अकेडमिक्स ऑर्गेनाइज द तानसेन संगीत समारोह इन ग्वालियर। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी अकेडमी के द्वारा किया जाता है, तो है उस्ताद अलाउद्दीन खान काला इवाम संगीत अकेडमी है आपकी, जो आपकी ग्वालियर में है, उनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ बीन बैंड फॉर 4 ईयर्स बाय नाडा। नाडा के द्वारा 4 साल के लिए आपको बैन कर दिया गया है, उस कौन से प्लेयर को, वह है आपके सरबजीत कौर। इन्होंने क्या करा था, डोपिंग के लिए ये गिल्टी पाए गए थे, वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी जो विशाखापट्टनम में, इसलिए ये आपकी नाडा जो संस्था है उसके द्वारा सरबजीत कौर को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, सरबजीत कौर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल नेवल इवेंट मिलन जो है, इंटरनेशनल नेवल जो आपका इवेंट है वो कब शेड्यूल किया गया है, मार्च 2020 में शेड्यूल से किया गया है, ये कहाँ पर होना है, ये विशाखापट्टनम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEFI इज ए वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, तो इंडिया की जो 2019 की रैंक है वो है 34। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया वो 234 की रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सा एसिड नहीं होता है, तो एसिटिक एसिड आपका ग्रेप्स में नहीं होता है, आपको मैलिक एसिड भी मिल जाएगा, आपको
टैट्रिक एसिड भी मिल जाएगा, सिट्रिक एसिड भी मिल जाएगा, मगर आपको एसिटिक एसिड उसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण किसने करा था? तो ये है प्रेमचंद रायचंद। प्रेमचंद रायचंद आपने बहुत बार पुरानी पिक्चर में इस नाम को सुना होगा, प्रेमचंद रायचंद। इस नाम से कई कहानियाँ बनाई गई हैं, तो ये इसलिए बनाई क्योंकि काफ़ी धनवान थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस चीज़ से मिला के देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण किसने करा, तो ये है आपके प्रेमचंद रायचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इपोस्म सॉल्ट। इपोस्म सॉल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट। हाउ मैनी नेशनल हाईवेज आर मर्ज टू फॉर्म नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 को बनाने के लिए कितने नेशनल हाईवे को मर्ज कर दिया गया? तो 7 नेशनल हाईवे को इसमें मर्ज कर दिया गया है। अब एक ही हाईवे है, वो है नेशनल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव द काकोरी ट्रेन रॉबरी इन 1925। जो काकोरी रेल षड्यंत्र हुआ था वो किसके द्वारा करा गया? ये है राम प्रसाद बिस्मिल्ला एंड अशफाक अली खां। अशफाक अली खां ये थे, ये इसे ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिल्ला बिस्मिल्ला और अशफाक खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP फॉर्म। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो CSP है वो कब बनी? वो है 1934 में बनी है आपकी, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन। तो जो लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल है वो है 347, और हिंदी से रिलेटेड आपका जो है वो है 343। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हिंदी से रिलेटेड 343 और लैंग्वेज से रिलेटेड 347 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के जो आपके डायरेक्टर हैं उन्हें किसे अपॉइंट कराया था? ये हैं आपके लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक जी हैं। युवराज मलिक जी हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, युवराज मलिक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द कंट्रोल पेस्ट फिश। जो आपके लिए कंट्रोल पेस्ट फिश के कंट्रोल के लिए कौन सी क्या चीज़ यूज करी जाती है? तो पीसी साइड्स यूज करी जाती है। पीसी का मतलब ही आपका फिश से रिलेटेड होता है, तो ये पीसी साइड्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आज की इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रॉब्ड इन क्रिकेटर हरभजन सिंह एज द ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो ये ब्रूनी एंड बार्केसिन है। ब्रूनी एंड बार्केसिन है, इस कंपनी ने हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ब्रूनी एंड बार्केसिन। ये था आपके इस सेक्शन का पूरा, आपको आज बता दिया गया 50 क्वेश्चन इस स्लाइड में हुए हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में आपसे। थैंक यू सो मच, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर तो करना ही करना है आपको, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरी स्लाइड में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।